हे गाइस, कहते हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारे चैनल पर विजिट करना है, वहां पर ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो एमकॉम का प्लान है 159 रुपीज पर मंथ का, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको जो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड। आप हमें कॉल करके या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ इग्नो की कोई भी अपडेट्स अगर होगी रिगार्डिंग एडमिशन फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट, तो वो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक चीज मैं और बताता चलूं कि ये हमारा प्लेलिस्ट है, आपको दिख रहा होगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे इग्नू एमकॉम के IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। राइट, सो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक था जी। तो ये बात की जा रही है मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग के बारे में। तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं बात करने वाला हूँ मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग के बारे में कि ऐसे कौन कौन से जरिए हैं जिसके जरिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहला जो तरीका है वो है रिटन, दूसरा है ग्राफिक, तीसरा है ओरल। आप लिख करके रिपोर्टिंग कर सकते हो, आप पिक्चर्स के माध्यम से रिपोर्टिंग कर सकते हो या फिर आप ओरली कर सकते हो, मतलब आप मौखिक रूप से बता सकते हो कि ये हमारी रिपोर्टिंग है। नीचे में देखो एक टेबल बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रिटन में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हो, सेकंड नंबर है टेबुलेटेड इन्फॉर्मेशन तैयार करते हो, है ना। थर्ड नंबर है अकाउंटिंग रेशियोज आप तैयार करते हो, जो कि मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग का हिस्सा है। ग्राफिकल मोड ऑफ रिपोर्टिंग की जब बात की जाती है तो वहां पे आप चार्ट्स तैयार करते हो, डायग्राम एंड पिक्चर्स तैयार करते हो और ग्राफ्स तैयार करते हो। और जब ओरल रिपोर्टिंग की बात की जाती है तो ग्रुप मीटिंग्स में आप अपने ओरल जो भी चीजें आपको रिपोर्ट करनी होती है वो आप कहते हो, कॉन्फ्रेंसेज एंड इंडिविजुअल टॉक्स, है ना। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप करते हो जब आपसे ओरल रिपोर्टिंग की बात की जाती है। तो रिटन रिपोर्ट्स में जो भी ये सारी चीजें हैं एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। तो रिटन रिपोर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, रिटन रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, दीज आर एज फॉलोज। रिटन रिपोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में तैयार किया जाता है, उन तीनों पॉइंट्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेबुलेटेड इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग रेशियोज, इन तीनों के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, जिसके जरिए एक तरीके से मैनेजमेंट को ये पता चल पाता है, अकाउंटेंट को पता चल पाता है, बिजनेस को पता चल पाता है कि वहां उनको कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे उनको लॉस हो रहा है, कहां पे उनको अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने की जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। राइट, चलिए देखते हैं। These statements provide the information regarding the data of actual performance with budgeted figures and comparative statement containing information over a period. तो ये जो जो details आपको provide की जा रही है financial statements के द्वारा, इनके जरिए जो आपका budgeted figure है उसके जरिए उसके साथ आप actual performance को एक तरीके से compare कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि over a period of time जो आपका time period था उसमें आपका budgeted figure और actual figure में क्या difference आया, और अगर difference आया तो क्यों आया, और उसके accordingly आप जो है correct measures ले सकते हो। Tabulated information के बारे में बात कर लेते हैं। Information related with expenditure, production, sales and distribution is furnished in the form of tables so that data can be easily analyzed. तो sometimes data को अच्छे तरीके से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए tables में उसको contain कर दिया जाता है, tables में लिखा जाता है ताकि उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो जो भी आपकी information है regarding expenditure, production और sales और distribution, whatever information you will have to put all this information into tables, जिसको देख करके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इजीली इसको समझ पाएगा। राइट, तीसरा पॉइंट है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए आप रिपोर्टिंग करते हो, जहां पे आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियोज आप चेक कर सकते हो, जिसके जरिए आप डिसीजंस ले सकते हो इन फ्यूचर के लिए कि आपको किस तरीके से काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंटिंग रेशियोज प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग रेशियो जो है बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक तरीके से इंटरप्रेट करने में, उसको मेजर करने में, है ना। तो डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियो हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, एफिशिएंसी रेशियो हो गया और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो हो गया, ये सारे रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है जब आप अकाउंटिंग रेशियोज के जरिए रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हो। तो रिटन रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिपोर्ट्स में, रिपोर्टिंग में। सो ग्राफिकल रिपोर्टिंग इज वेरी कॉमन इन दिस डेज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अभी के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया है कि किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी कंपनी के
मैनेजमेंट को एक तरीके से ग्राफिकली ये दिखाया जाता है या समझाया जाता है कि उनकी बिजनेस किस तरीके से काम कर रही है। दीज रिपोर्ट्स कैन बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स एंड चार्ट्स, है ना। तो ये वो तरीके हैं जिसके जरिए जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट किए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड व्हेन क्विक एक्शन इज नीडेड, वो तब तैयार किए जाते हैं जब तुरंत जो है डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे पहला तरह का जो ग्राफ है वो बनाया जाता है वो है लाइन ग्राफ, टू शो फॉर एग्जाम्पल क्यूम्युलेटिव एक्चुअल सेल्स अगेंस्ट बजटेड और अगेंस्ट प्रीवियस ईयर एक्चुअल्स। तो जो प्रीवियस ईयर में जो आपका खर्चा हुआ प्लस इस ईयर का जो आपका खर्चा हुआ किसी चीज को करने में, जब आप उसको कंपेयर करके लाइन ग्राफ में दिखाओगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, है ना। या फिर क्यूम्युलेटिव एक्चुअल सेल्स को अगर आप अगर कंपेयर करोगे बजटेड सेल्स के साथ तो आप एक तरीके से कंपेरिजन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ और आप जो है डिसीजन ले पाओगे। दूसरा जो चीज इसमें तैयार किया जाता है वो है बार चार्ट। बार चार्ट्स तैयार किए जाते हैं जनरली यूज्ड फॉर शोइंग कंपैरिजन ऑफ मंथ वाइज सेल्स एंड एक्सपेंसेस बजटेड एंड एक्चुअल्स। जनरली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मंथ वाइज सेल्स और एक्सपेंसेस होते हैं उसको दिखाया जाता है बजटेड और एक्चुअल्स के फॉर्म। एक बजटेड वैल्यू होती है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है, और बार चार्ट के जरिए दिखाया जाता है कि बजटेड वैल्यू ज्यादा है या एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, अगर एक्चुअल ज्यादा है तो क्यों है, आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आती है। तीसरा पॉइंट है पाई चार्ट। पाई चार्ट का आपने नाम सुना होगा, जो कि सर्कल नुमा होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में। तो ये भी एक तरीका है जिसमें ग्राफिक रिपोर्टिंग की जाती है। कॉमनली यूज्ड टू शो सर्कुलर डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल्स रिवेन्यू अमंग कॉस्ट प्रॉफिट्स एज आल्सो द टोटल कॉस्ट अमंग एट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, है ना। तो इसका इस्तेमाल जो एक तरीके से किया जाता है, एक सर्कुलर डायग्राम होता है जहां पे आप टोटल सेल्स रिवेन्यू जो भी आपके कॉस्ट है, जो भी आपकी प्रॉफिट्स है, जो भी कॉस्ट अमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, वो तो सारी की सारी चीजें आप चेक कर पाते हो पाई चार्ट के जरिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड एक चार्ट होता है, राइट। तो ग्राफिक रिपोर्टिंग अब हमने कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं ओरल रिपोर्टिंग के बारे में, जो कि आखिरी टॉपिक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से तरीका है रिपोर्ट करने का, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ओरल रिपोर्टिंग में टेक प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ, किस तरीके से ओरल रिपोर्टिंग हो सकती है, ग्रुप मीटिंग हो सकता है, आपने एक मीटिंग रखी, आपके बॉस ने एक मीटिंग रखी जहां पे आपने सारी रिपोर्टिंग जाकर के जो है मौखिक रूप में बताई, बॉस ने कॉन्फ्रेंस रखा वहां पे जाकर के आपने ओरली सबको बताया, बॉस ने इंडिविजुअल टास्क टॉक्स रखा जहां पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो वहां पे भी आपने सारी चीजें जो है बताई हैं। दीज ओरल मीटिंग्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब ये जो ओरल मीटिंग्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस का पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए आपको ग्राफ या फिर जो रिटन रिपोर्ट्स होता है उसका जो इस्तेमाल आपको करना होगा। बट दे फर्निश अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स जेन्युइनली। बट इन सब जो प्लेटफॉर्म्स के मैंने आपको बारे में बताया, ग्रुप मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड इंडिविजुअल टॉक्स, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग को एक तरीके से कर सकते हो, जो बहुत ही लो लेवल की जो रिपोर्टिंग होती है वो आप कर सकते हो, ताकि एक तरीके से जो ओवरऑल आइडिया है वो आपको मिल पाए। फॉर डिसीजन मेकिंग, जो मैं आपको कह रहा था देखो वो लिखा हुआ है, फॉर डिसीजन मेकिंग द रिटन रिपोर्ट्स हैव अ अपर हैंड ओवर ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, है ना। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हमेशा ही जो रिटन रिपोर्ट्स होते हैं उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है विद कंपैरिजन टू बार ग्राफिक रिपोर्टिंग या फिर ओरल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग के बारे में बताया, जो कि था रिटन, ग्राफिक एंड ओरल। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के लिए भी आपको बेल आइकन दबाना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।